डायमंड कब आ जाए, किस बेस पर आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। दो चार पैसे हो गए, घमंड आ गया, किसी पार्टी में जाकर के मेंबर बन गए तो एक लोग आगे पीछे से चलने लगे, अपने को बड़ा नेता समझने लगे, सगे चचा को सलाम नहीं कर रहे हैं, घमंड आ गया, है ना। दो चार दिन नमाज शब पढ़ ली तो अब पूरे भावनगर में सब ऐसे ही हैं, मैं एक अल्लाह वाला हूं। इबादत तो कभी कसरत औलाद में गुरूर कर देती है, कभी कसरत माल गुरूर पैदा कर देता है, कभी कसरत इबादत, शैतान के साथ वही केस हुआ था, कभी कसरत इबादत इंसान को घमंड पैदा कर देती है। तो घमंड कभी भी हो सकता है। अब वसी हसन साहब एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जब शायद पहुंचे, वकदा रब का अल्लाह ताबुदु इल्ला इया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, देखो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक जब बूढ़े हो जाए, उफ न करना, झिड़कना मत, नरम लहजे में बात करना, इनके सामने शानों को झुकाए रखना। वसी हसन साहब रुके, ओ इनसे कभी उफ न करना, मैंने कभी माँ बाप के साथ उफ नहीं किया, इनको झिड़कना मत, मैंने कभी झिड़का नहीं, हमेशा इनसे नर्म लहजे में गुफ्तगू करना, मैंने कभी सख्ती से बात नहीं की, इनके सामने हमेशा अपने शानों को झुकाए रखना, मैं हमेशा मैं अबा कबा के झुका रहता हूं। किसी ने माँ बाप का हक अदा किया हो या न किया हो, माई सेल्फ वसी हसन वो इंसान है जिसने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया, ये घमंड आया नहीं आया। कुरान कहता खबरदार, ये गुरूर पैदा न होने पाए कि तुमने माँ का हक अदा कर दिया है, ये घमंड पैदा न होने पाए कि तुमने बाप का हक अदा कर दिया है। क्या मतलब, क्या किया है तुमने बाप के साथ कि जो कह रहे हो हक अदा कर दिया। सलवात, मिसाल सुनिए आप, सलवात बर मोहम्मद, आज तो आलम यह है जनाब के 6 महीने के ऊपर बैग स्कूल का चेंज हो जाता है, और अगर आपने जरा सा कुछ लेट भी किया तो दो चार बातें भी आपको सुननी पड़ जाएंगी कि साहब उसका चेंज हो गया, उसका चेंज हो गया, मेरा नहीं चेंज हुआ। लेकिन जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, 10 पैसा फीस थी, समझ गए, अब घर से जो है बेचारी माँ ने जो है झोला सिल दिया वो ले कर चले गए, यही तो होता था ना। अब आप पूरा प्राइमरी स्कूल जोड़ लीजिए, पढ़ के पास हो गए, कितना खर्च हुआ माँ बाप का, 1000 रुपये बस ना, खाना पीना ये सब मिला करके पैदाइश से लेके 5वें तक 10,000 में काम हो गया। उसके बाद 6th क्लास में गए, बड़ा जो है वो शोर मचा, सेंट थॉमस स्कूल था हम लोगों के पड़ोस में, वहाँ खाकी पैंट सफ़ेद शर्ट शर्ट थी, बड़ा शोर मचा, तो साहब एक खाकी पैंट एक सफ़ेद शर्ट मिल गई, इसलिए कि स्कूल का ड्रेस था। साहब 5 किलोमीटर का फासला था स्कूल का, शोर मचाया तो बेचारे बाप ने कहा अच्छा चलो भाई खरीद देते हैं, 150 रुपये की एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद दी। पूरे साल में एक मर्तबा साहब, वो भी चूंकि जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको साल में एक बार पास मिलता था, वो पास लेकर के आगरा चले गए, मजलिसों में शहीद की जियारत कराए, बस ये करते करते साहब हमारा इंटर हो गया। इंटर पास होते तक कितना लगा हमारा खाने पीने में, 10,000 वो भी मान लीजिए। उसके बाद जो है वो मेरे बाप की कोई औकात नहीं थी, तो बेचारा जो है बीटेक एमटेक करा सकता, बहरहाल कैट मैट पास किया, वो इत्तेफाक से साहब जो है वो सरकारी सीट मिल गई, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। इधर उधर इम्तिहानात दिए, वजीफा मिलने लगा, या कोई बंदे मोमिन मिल गया, उसने कहा यार लड़का तेज है इसके ऊपर जरा हाथ लगा दो, फीस वो मोमिन देने लगा, एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस करने के बाद फिर टेस्ट वेस्ट दिया, और वो साहब जो है वो पीजी करने के लिए आगे चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन से पीजी कर लिया, वहाँ से जो है वो एमएस करके आ रहे हैं साहब हार्ट स्पेशलिस्ट। मौलाना वसी डॉक्टर, मौलाना की मिसाल, डॉक्टर वसी हसन साहब से ज़्यादा जो है तजर्बेकार इस वक्त कोई नहीं है। और अब साहब ये जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में विजिट पर जाते हैं, एक ऑपरेशन का जो है वो 2 लाख रुपया फिक्स है, बकिया आप जानिए, दिन भर में 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन कहीं गया नहीं, 5 लाख 6 लाख रुपये डेली डॉक्टर साहब की आमदनी है। लेकिन डॉक्टर साहब मोमिन आदमी थे, उन्होंने सोचा कुछ भी हो मेरा बाप है, तो उन्होंने क्या किया, जब से ही आमदनी शुरू हुई माँ बाप का पासपोर्ट बनवाया, वो खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट की जगह के ऊपर बेहतरीन रेमंड की शेरवानी सिलवा दी, 150 रुपये की साइकिल के मुकाबले में एक बेहतरीन 15 लाख की कार ला के मैं ड्राइवर और शोफेर के खड़ी कर दी,
वो जो एक मर्तबा जिंदगी में आगरा ले गए थे माँ बाप, डॉक्टर साहब ने क्या किया, पासपोर्ट माँ का भी बाप का दोनों भी असरात वालों को पकड़ा दिया मोहम्मद रजा को कि ये रख लो तुम, ये ऐड नहीं है, मुझको इन्होंने कुछ दिया नहीं है, निकल गया मुंह से। मोहम्मद रजा सामने तो निकल गया भाई, इसको अदरवाइज ना लीजिए आप लोग से सलावत पर मोहम्मद वाद। लेकिन बहरहाल मैं एक दो बार जो गया हूं तो मुझको यह काफिला अच्छा लगा भैया, तो अब साहब मोहम्मद रजा के हवाले कर दिया जो है वो पासपोर्ट, डॉक्टर साहब ने ये मेरी माँ का ये मेरे बाप का पासपोर्ट है, जब जब काफिला उम्रे पे जाए तब तक मेरे माँ बाप जाएंगे, जब जब जो है जियारत पे जाए तब तक माँ बाप जाएंगे, हर साल मेरे बाप आप हज करेंगे, सब कुछ पकड़ा दिया उन्होंने। अब जब साल मुकम्मल हो गया बैठ के हिसाब किया, मेरे बाप ने जिंदगी भर में मेरे ऊपर कितना खर्च किया और मैंने इस साल में अपने बाप पर कितना खर्च किया, बोलिए असगर साहब कोई जवाब है? पूरी जिंदगी में अगर मेरे ऊपर मेरे बाप का खर्च हुआ कितना, 50,000 रुपए, और अब जब पहले साल बैठ के हिसाब हुआ तो मालूम हुआ था 30,00,000 रुपए तो खाली सिरात वालों का हिसाब है, सारी जियारत और हज और ये सब मिला करके। अब जो हमने हिसाब किया एक साल में हमने अपने मां बाप के ऊपर खर्च किया 50,00,000, पूरी जिंदगी में हमारे मां बाप ने हमारे ऊपर खर्च कितना किया था, 50,000, हमने एक बरस में खर्च दिया 50,00,000। कुरान खोला, कुरान बता, न उफ किया है, न झिड़का, नरम लहजे में गुफ्तगू की, खर्चे के मुकाबले में ये खर्चा मां बाप का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कुरान का जवाब होगा 50,00,000 नहीं 50,00,000 खर्च कर दो, माँ बाप का जवाब नहीं हो सकता। इसी में रिवायत है, एक शख्स आया पैगंबर के पास, कहने लगा मेरी माँ की ये हालत, मैं अपने हाथ से उनको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, रोटी तोड़ता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, क्या मैंने हक अदा किया? पैगंबर ने फरमाया क्या, तेरी पैदाइश के वक्त जो उसकी चीख थी, एक चीख का जवाब नहीं दे सकते हो, बकिया परवरिश तो अपनी जगह है।